यार किंग वो तो चली गई है, वो चली गई, छोड़ के चली गई। उनको भी अपनी एक्स उक्सों में ध्यान चला जाता होगा लोगों का। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है किंग के गाने पर, जो कि है माहौल। सो इस गाने के सजेशन भी मुझे काफ़ी आए थे। वैसे किसी ने मुझे बोला था कि आप MTV हसल वाला सुनना, जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस पे सुनो, बट मैंने सोचा कि यार जब ओरिजिनल किंग ने दिया है तो वही सुन लेते हैं, है ना। सो अभी इस गाने को हम सुनते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में मुझे आगे बताना मैं किंग के कौन से गाने पर रिएक्ट करूं। और अगर मैंने गाना नहीं सुना होगा तो मैं उस पर ज़रूर ज़रूर रिएक्ट करूँगी, जैसे कि मैं हर गाने में बोल रही हूँ किंग के। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग चैनल को चेकआउट करना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना। सो अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट। किंग Sirocco, baby. शायद वो मेरे जैसा कासी नहीं होगा, बदन मिले तेरा तब राजी जब होगा। तूने जो ना फर्ज चुकाया रिश्ते का, कभी सोचा तेरे संग नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं माए बार वाला सीन बनाता नहीं, करके ट्रेंडी चीजें तुझे फंसाता नहीं। एक बेस में दस दस को हिलाता जरूर, एक प्लेट में दस दस को खिलाता नहीं। मेरी उम्र अभी तो बस 22 है, अपने दम पे लाइफ किंग साइज है। मैंने माना तेरे यार सा अमीर नहीं, पर सारे मेरे भाई खड़े एट अ टाइम है। मैंने कर कर शोर तेरे नाम का, बना दिया है माहौल तेरे नाम का। चाहे तू मुझे चुपचाप सुने फिर गाएगा, वो भी जो मुझे अभी नहीं जानता। सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है। कभी ना इनकार किया मैंने, प्यार तुझसे ही किया है। दुआ मुझे तेरी लग जाए, रूह मेरी उतड़प जाए। घूमू तेरे लिए दर बदर, मैं बेसबर हूँ तेरे माहौल में खोया रहूं। हर बात पे प्यार भी सलामी ठोके, नोट रखूं हाथ पे तेरी, ना सुनूंगा प्यारी बात कसम से। मैं दिल का टूटा हूं कैसे करूं एतबार, मैं मेरे सामने नच दिया कुड़िया वड़ी अतसिया। नखरे वहां दी पूरी ये तंग बोली, बेबी तेरी गल्ला टू मच सिया। प्यार कर मैनू हौले, तेरे गाने ने किया ऐसा माहौल है। मैं टप टप जांदी बीट पे, बैठी सीट पे बड़ा सही लगे मुझे तेरा फ्लो है। मैंने भी कर कर शोर तेरे नाम का, बना दिया है माहौल तेरे नाम का। चाहे तू मुझे चुपचाप सुने फिर गाएगा, वो भी जो मुझे अभी नहीं जानता। सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है। कभी ना इनकार किया मैंने, प्यार तुझसे ही किया है। दुआ मुझे तेरी लग जाए, रूह मेरी उतड़प जाए। घूमू तेरे लिए दर बदर, मैं बेसबर हूँ तेरे माहौल में खोया रहूं। स्पीकर पे चला दो, बहुत बढ़िया तरीके से बजेगा, क्योंकि म्यूजिक और बीट भी बहुत अच्छा चल रहा है। फैंटेसी, नेक्स्ट फैंटेसी। ओके, सो इस गाने ने क्या माहौल बना दिया है भाई साहब, बहुत तगड़ा माहौल बनाया है किंग ने।
और आई थिंक ये उन्होंने अपने जब MTV हसल में उन्होंने परफॉर्म किया था ना, मतलब बहुत बढ़िया लिरिक्स लिख रखे हैं, और जो बीच में पंजाबी में बोला टू मच चसिया, वो कितनी बढ़िया लाइन लग रही थी यार, बहुत बढ़िया लग रही थी। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि किंग अपने गानों में पंजाबी भी रखते हैं। किंग पंजाबी हैं क्या? वेल, जो भी है, बहुत अच्छा लग रहा था उनके गाने सुन के, और मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं किंग के गाने वैसे यार। एक एक लाइन इतनी बढ़िया लग रही थी, वो जो बोला था कि मैं बार वाला सीन बनाता नहीं, ट्रेंडी चीज़ें करके तुझे मैं फंसाता नहीं, एक 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 बस में 10-10 को हिलाता ज़रूर, पर एक प्लेट में 10-10 को खिलाता नहीं। बहुत क्या बढ़िया लग रही थी ना ये लाइन, मतलब एकदम। और वो जो स्टार्टिंग में जो म्यूजिक से शुरू हुआ, जो पीछे से आवाज़ चल रही थी, वो क्या हो रहा था, मतलब वो बहुत यूनिक सा लग रहा था म्यूजिक में, मतलब कुछ बोल रहे थे वो या क्या था पता नहीं, बट वो बहुत यूनिक सा लग रहा था म्यूजिक जैसे स्टार्ट हुआ, और लास्ट में भी शायद वैसे ही बजा। और जो बीट बज रही थी वो बहुत बढ़िया थी, लिरिक्स बहुत बढ़िया थे। और ये भी बोला ना कि मैंने शोर कर कर तेरे नाम का बना दिया है माहौल, तेरे नाम का सही में बना दिया यार। किंग वो तो चली गई है अभी, उसकी बातें इतनी करते हो आप हैं, मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको भी अपनी एक्स उक्सों में ध्यान चला जाता होगा लोगों का पर जो भी है, इसी तरीके के गाने मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं किंग के, मैं तो कहूँगी और लेकर आए वो, और लेकर आए। और सभी ऐसे सोच सारे व्यूअर्स जितने हैं, क्योंकि किंग के गानों के सजेशन मुझे बहुत आते हैं, और सारे ही क्योंकि सब बंदों को किंग के गाने फील करते हैं, और वो सब रिएक्शन देखना भी पसंद करते हैं, जो पहली बार सुनता है उनका रिएक्शन देखना भी पसंद करता है। तो इस चीज़ से आप सोच सकते हो कि किंग के गाने लोगों को कितने पसंद है, कितने ज़्यादा पसंद है। और बेशक आप किंग के गाने सुन के अपसेट हो रहे हो, ठीक है, आपको अपनी पास्ट की याद आ जाए, बट फिर भी बंदा सुनेगा, क्योंकि किंग के गाने ऐसे होते हैं कि जो रिलैक्स फील करा देते हैं, मतलब एकदम अपसेट हो गए बट थोड़ा सा शांति भी मिलेगी, ऐसे गाने होते हैं। अपसेट वैसा वाला अपसेट नहीं कि यार ओ हो चली गई, छोड़ के चली गई मुझे, ऐसा वाला अपसेट नहीं होता कोई भी, बहुत अच्छा लगता है सुन के और बहुत रिलैक्स फील होता है। सो मेरे को तो बढ़िया लगा ये गाना, और मैं जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो भी देखना चाहूँगी, मतलब मैं तो रिएक्शन कर रही हूँ, आप लोग मेरा रिएक्शन देख रहे हो, मैं जजेस के रिएक्शन देखना चाहूँगी कि कैसे उनको कैसा लगा ये गाना, क्योंकि मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। वैसे MTV हसल वो शो मैंने नहीं देखा है, MTV हसल मैंने नहीं देखा है, जो शो था उसी में, उसी के बाद से ज़्यादा किंग को लोग सुनने लगे हैं। बट मैंने जब MTV हसल में किंग आए थे, उससे पहले ही, बहुत पहले, जब आई थी मैं 9th या 10th क्लास में होंगी, तब मैंने किंग के गाने को सुना था, क्योंकि मैंने पिछले एक गाने में भी बताया था कि मेरे भाई के सर्कल में किंग को जानते थे, तो तब से उनके गाने जो है ना सबके फ़ोन में थे, मेरे भाई के फ़ोन में भी था, तो तब भी मैं वो ट्रैक सुनती थी, तो मुझे तो लिटरली उनकी वॉइस बहुत बढ़िया लगी। और किंग का ये जो तरीका है ना, एक तो वो रैप भी करते हैं और बीच में गाते भी हैं, तो वो जो गाते हैं ना वो फ्लो भी बहुत बढ़िया लगता है, और वो तरीका भी किंग का बहुत बढ़िया लगता है। तो और मुझे बताना, किंग पंजाबी है, मतलब पंजाबी वर्ड्स काफ़ी यूज़ करते हैं, और हाँ शायरी अंदाज में भी बहुत बोलते हैं, तो ये टैलेंट भी बहुत बढ़िया है किंग के पास। सो मुझे ये ट्रैक बहुत बढ़िया लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरा रिएक्शन कैसा लगा ये भी बताना। वैसे तो सभी लोगों ने सुन लिया होगा ये गाना मैं ही बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी भी सब कवर कर लेंगे हम। सो या मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और सजेशन देना मुझे किस पर रिएक्ट करना है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।